हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं तो आपके सामने एक नई और वीडियो लेके आया हूँ मोबाइल से रिपेयरिंग से रिलेटेड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे पीके टेक्निकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको आज मेरे पास एक सैमसंग का मॉडल आया हुआ है जो कि B313 मॉडल है। इसमें डिस्प्ले लाइट सस्ती है, जलती है, तो मैं आपको चेक करवा के दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने पहले से इसमें बैटरी डाल रखी है, ना इसमें कुछ शो हो रहा है नहीं चस रहा है। तो मैं आपको इसका सोल्यूशन करके बताता हूँ कि आपको इजी एंट्री कैसे कर सकते हैं आप इसमें। तो आपको क्या करना है, पहले तो डिस्प्ले को हटाना है, फिर उसके बाद में आपको मल्टीमीटर की सहायता से उसके कंटिन्यूटी चेक करनी है। एक को यहाँ पे देखना, अगर 8 नंबर पिन भी आपको चेक करना है कि इसमें कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही है। अगर कंटिन्यूटी नहीं आती है तो मान लो ये गलत है, सही नहीं है, ये तो नहीं आ रही है। तो आपको क्या करना है, 8 नंबर पिन पे, एट नंबर पिन पे आपको क्या करना है, जम्पर देना है। जम्पर कैसे देना है 8 नंबर पिन पे, मैं आपको देखिए दिखाता हूँ क्या करना है। आपको जम्पर देना है दोस्तों, एक दो तीन चार, ये देखिए दोस्तों, मैं एक बार लगा के दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे जो एक LED है उसके रेजिस्टेंस को आपको करवाना है। क्या करना है, आप जम्पर दे सकते हो, और मैं आपको अब ग्लो करके दिखाता हूँ कि क्या होता है, जलती है नहीं जलती। ये देखिए दोस्तों, अब हमारी जो है, जो हमारा मोटर, ये जो एकदम ठीक है। तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, मैं आपके लिए इजी एंट्री के वे में आपके लिए नई नई वीडियो लेके आऊँगा। कस्टमर ने बोला था कि इसमें डिस्प्ले प्रॉब्लम है, डिस्प्ले डाल देना, तो मैंने बोला कि इसमें डिस्प्ले बिना किए मैं आपको इसको ही रिपेयर कर देता हूँ, आपको खर्चा नहीं होगा। इसलिए थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।